माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सभी के लिए चार चार मिनट का समय निर्धारित है, समय की कमी को देखते हुए, काम की अधिकता को देखते हुए, तो चार मिनट का मतलब चार मिनट है, कृपया कोऑपरेट करें। श्री संदीप शर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। जो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 सरकार के द्वारा लाया गया है, इस बिल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही कई ऐसे विषय हैं जो इस अधिनियम से अछूते रह गए हैं, उन विषयों को भी इस विधेयक में शामिल करने की आवश्यकता है। अधिनियम में अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण दिए जाने के प्रावधान अस्पष्ट हैं। ऐसे पुलिस संरक्षण निःशुल्क होगा तथा ऐसे पुलिस संरक्षण आवेदन प्राप्त होते ही तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा, इस बिल में यह स्पष्ट वर्णित नहीं है, यह इस अधिनियम में स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह निश्चित है कि अधिवक्ता एसएचओ एवं अधीक्षक के बीच एक फुटबॉल की तरह रह जाएगा और जहां आवेदन करेगा वो अधीक्षक के पास भेज देगा और अधीक्षक एसएचओ के पास, अतः इसको स्पष्ट किया जाए। अधिवक्ता को उसके कर्तव्य निर्वहन में कई बार बाहर जाना पड़ता है, कहीं कमिश्नर नियुक्त करने के बाद या कहीं कोई विधि सलाहकार नियुक्त करने के उपरांत उसको बाहर भेजा जाता है और वहाँ पर भी कई ऐसी आपराधिक जो है उनको धमकी मिलती है या उनके साथ लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, तो ऐसे प्रकरणों को भी अपराध की श्रेणी में लाकर उसको भी इसमें लिया जाए। इस अधिनियम के तहत जो अगर जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है वो इसमें नहीं होना चाहिए और इसे नॉन जो है पहले बिल बनाना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकरण में विवाद में यदि अधिवक्ताओं को उसके परिजनों को भी, उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को या उसके माता पिता को भी धमकी मिलती है तो इसको भी इस अधिनियम में अपराध मानना चाहिए। इस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होने पर अधिवक्ता के आवेदन पर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके कार्यालय से ही उसकी सुनवाई पर विचार हो सके, ये प्रावधान भी इस अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए। और जो बात सभी मेरे साथी विधायकों ने कही है कि जो नए अधिवक्ता हैं वो अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए भी जूझ रहे हैं, ऐसे अधिवक्ताओं को आवश्यक है कोई 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड हम उनको दें, जिससे वो जमने तक उनको स्टाइपेंड उनकी आर्थिक रूप से उनकी मदद हो सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत श्री राम प्रताप जी का स्नेह।